नमस्कार। आजकल मैं देख रही हूँ कि काफ़ी लोग अपने बालों के झड़ने से काफ़ी चिंतित होते हैं। कुछ रिसर्च ये बताते हैं कि 35 वर्ष की आयु के लगभग 40% लोगों को बालों का गिरने का काफ़ी अनुभव होता है, जो ध्यान देने योग्य है। ये एक सामान्य समस्या है और ख़ासकर हमारी ये व्यस्त लाइफस्टाइल और एनवायरमेंटल चेंजेस के कारण ये चिंता काफ़ी बढ़ रही है। देखिए, बालों के गिरने के कई कारण हो सकते हैं। आज मैं आपको कुछ कारण बताती हूँ और इसके बारे में क्या कर सकते हैं ये बताती हूँ। पहले तो आपके बालों को स्वस्थ रहने के लिए विभिन्न पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। अगर आप प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स जैसे आयरन, जिंक, विटामिन डी और बायोटिन इनकी कमी महसूस कर रहे हैं तो आपके बालों का पतला होना शुरू हो सकता है। अपने दिन की शुरुआत एक स्मूदी से करें, जिसमें पालक हो, केले हो, बादाम का दूध हो, चिया सीड्स हो। ये जल्दी और आसानी से बनने वाला ड्रिंक आवश्यक तत्वों से भरा होता है, जो बालों के स्वास्थ्य को सपोर्ट करता है। दूसरा कारण हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस। हमारे हॉर्मोन्स बालों के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थायराइड डिसऑर्डर, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, PCOS और मेरोपॉज, ऐसी स्थितियाँ हार्मोनल बैलेंस को बिगाड़ सकती है और बालों के झड़ने का कारण बन सकती है। अपने हार्मोन्स को प्राकृतिक रूप से संतुलित करने के लिए अपने डाइट में फ्लेक्स सीड्स शामिल करें। फ्लेक्स सीड यानी अलसी फैटी ओमेगा 3 से भरपूर है, जो हार्मोनल लेवल को कंट्रोल करने में मदद होती है। आप पीसी हुई फ्लेक्स सीड को बड़े आसानी से अपनी स्मूदी पर, सैलड पर, दालों पर छिटक सकते हैं। बालों के झड़ने की एक और बहुत बड़ी रिस्क है, कारण है, वो है बढ़ता हुआ तनाव। स्ट्रेस से आपके बाल काफ़ी जल्दी झड़ सकते हैं, तो स्ट्रेस को हटाने के लिए अनित्य भावना यानी कि हर चीज़ इम्परमानेंट है, क्यों चिंता करनी, इस चीज़ का अभ्यास कर सकते हैं। अपने आप को ये याद दिलाते रहें, जो सवेरे था वो दोपहर को नहीं है, जो दोपहर को था वो शाम को नहीं है। चीज़ें बदलती है, बदलाव निश्चित है, तो चीज़ें बदलेगी ही, तो फिर चिंता क्यों करनी। इस तरह से दृष्टिकोण को अपनाइए और चिंता को कम करिए, जिससे आपके बालों पर और समग्र स्वास्थ्य पर स्ट्रेस का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। बालों के झड़ने का दूसरा कारण है डैंड्रफ, सोरियासिस और फंगस इन्फेक्शन। ये सब बालों के फॉलिकल्स और रूट्स को ही कमज़ोर कर देती हैं। यहाँ मेथी के बीज सपोर्ट सिस्टम बना सकते हैं। कुछ मेथी के सीड्स रात भर पानी में भिगो के रखें, सुबह इसे पीसकर पेस्ट बनाएं और अपने स्कैल्प पर और बालों पर लगाएं और 30 मिनट तक छोड़ दें और इसके बाद बालों को धो लें। ये इन्फ्लेमेशन को कम करने, स्कैल्प को मॉइस्चराइज करने और बालों के रूट्स और फॉलिकल को मजबूत करने में मदद करेगी। दूसरे भी कोई कारण हो सकते हैं। एक तो गलत हेयर प्रोडक्ट्स का उपयोग करना। इन प्रोडक्ट्स में सल्फेट्स, पैराबिन्स और अल्कोहल होता है, जो आपके बालों और स्कैल्प को नुकसान पहुंचा सकता है। हमेशा प्राकृतिक हर्ब्स वाले प्रोडक्ट्स का उपयोग करें और हानिकारक प्रोडक्ट्स से बचें, ताकि आपके बाल स्वस्थ और मजबूत रहें। आजकल और एक नई बात हो रही है, हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, केमिकल ट्रीटमेंट्स हो रही हैं, टाइट हेयर स्टाइल हो रही है। इसका अत्यधिक उपयोग आपके बालों और बालों के फॉलिकल्स को अत्यधिक नुकसान पहुंचा सकता है। हमेशा जेंटल हेयर स्टाइलिंग मेथड्स रखिए और हेयर स्टाइलिंग के प्रोडक्ट्स का अत्यधिक उपयोग करने से बचें, ताकि आपके बाल स्वस्थ रहें। और भी है कि अमुक स्थिति जैसे कैंसर है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, डिप्रेशन और हाई ब्लड प्रेशर, इनके लिए जो दवाएँ ली जाती हैं वो बालों के झड़ने की साइड इफ़ेक्ट बन सकती है। अगर आपको लगता है कि आपकी ये दवाएं बालों के झड़ने का कारण बन सकती है, तो आप अपनी ये स्थिति के लिए अल्टरनेटिव कोई मेडिसिन देख सकते हैं। बदल डालिए ये दवाएं और इससे लाभ होगा। बस तो शुभमस्तु, नमस्कार।